गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर आज मैं बात करूंगा अपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस के बारे में यह बहुत लोगों का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि वो कौन से टेस्ट हैं जिनसे अपेंडिसाइटिस को कंफर्म किया जा सकता है इट्स ए लॉजिकल क्वेश्चन एंड उसके लॉजिकल आंसर्स होने में चाहिए जहां तक अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस का सवाल है उसको सबसे पहले तो काम वहीं से चालू हो जाता है कि आपका एक थारो हिस्ट्री लेनी चाहिए कि आपको वास्तव में किस तरह से पेन शुरू हुआ

अगर आपके राइट right साइड इस तरफ के एरिया में बहुत ज्यादा टेंडरनेस है और अगर जो इंफेक्शन स्प्रेड हो गया है तो पूरे के पूरे जो एबन है उसमें टेंडरनेस होगी या रिबाउंड टेंडरनेस डेवलप हो जाएगी ये वास्तव में इसको कंफर्म कर देती है कि अपेंडिसाइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो क्लिनिकल जो सस्पिशन है वो बहुत हाई हो जाता है तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह क्लिनिकल एग्जामिनेशन है एंड जो ना फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ हिस्ट्री है जो अपेंडिसाइटिस append को पहचानने में हमें सबसे ज्यादा मदद करती है फिर भी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं टू नंबर वन पर जिसे सीबीसी कहते हैं ये में अगर हल्का सा अर्ली भी इंफेक्शन है का, तो हमेशा बढ़ा हुआ आता है जो टीएलसी है या टोटल बढ़े हुए आएंगे यह हमें एक

कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई स्टोन है तो वास्तव में जो यूरिन का एग्जामिनेशन है वो इंडिकेट करने लगेगा उसमें आरबीसी डब्ल्यू बैक्टीरिया सब दिखाई देने लगेंगे जो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं 99 परसेंट पेशेंट्स में जो यूरिन एग्जामिनेशन है यूजुअली नॉर्मल आता है ऐसा माना जाता है कि अगर सीवियर अपेंडिसाइटिस है तो थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटीज हो सकती है बट ऑन एन एवरेज नाइनटी ऑफ द अपेंडिसाइटिस यूरिन का जो एग्जामिनेशन है वो नॉर्मल आएगा नंबर तीन पर हम

और ये अपेंडिक्स ने किया हुआ है या अपेंडिसाइटिस का अटैक आया है जिसने इंटेस्टिन को ब्लॉक कर दिया है दैट्स नंबर वन कभी कॉम्प्लिकेशन में ऐसा हो जाता है कि अपेंडिक्स बर्स्ट हो जाता है फट जाता है या उसमें परफोरेशन हो जाता है अगर अपेंडिसाइटिस में परफोरेशन होगा तो उसमें से एयर 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 लीक लीक कर जाएगी जाएगी और अगर करेगी तो वास्तव में परफोरेशन हो इन कभी कभी आपको डायफ्राम के नीचे दिखाई देने लगेगी जो प्लेन एक्सरे में सीधे सीधे दिखेगी इट्स रेयरली विजिबल क्योंकि जो एयर लीक करती है उसकी अमाउंट ज्यादा नहीं होती है लेकिन यह बात सही है कि अगर परफोरेशन हुआ है और एयर अंडर डायफ्राम है तो

उंड्रासाउंड जो जो को देखें, ये में टेस्ट है, है छोटी छोटी जगह पर होता है, ये है इसमें कोई पंक्चर कुछ नहीं किया जाता पेनलेस है और जहां तक की सवाल है मैं ऐसा मानता हूं कि लो कॉस्ट प्रोसीजर जो अल्ट्रासाउंड है वो अपेंडिस के अटैक को पहचान सकता है अगर अपेंडिक्स अपेंडिक्सार्ज इन्फ्लेम्ड है इसको पहचान सकता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है जैसे अपेंडिकुलर एपस बन रही है तो इसको पहचान सकता है लेकिन यह बात सही है कि जहां तक इसकी स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी का सवाल है साइंस ऐसा मानती है कि इन किसेंट पेशेंट तो बहुत आसानी से यह पहचान लेता है बट 50 परसेंट पेशेंट्स को यह हल्का फुल्का मिस भी कर सकता है थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो या हल्की सी एप्स हो या हल्का सा फ्लूड हो इट तो इट कैन मिस ऑल्सो डिपेंडेंट है, है, है? यह बात सही है कि अगर अल्ट्रासाउंड करने में आपको अपेंडिक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो वह एक्सक्लूड नहीं करता कि आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम नहीं है नॉट सी अपेंडिक्स नॉट रूल आउट एनी अपेंडिकुलर अटैक और अपेंडिसाइटिस लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड भी कर देता है अगर आपने अल्ट्रासाउंड किया यूरिटर क्लियर है तो आपको मालूम है कि ये जो पेन है ये किडनी से यूरेटर या यूरनरी ब्लेडर से नहीं आया आपने अल्ट्रासाउंड किया आपके जो बाकी ओवरीज फेलोपियन ट्यूब यूट्रस एकदम नॉर्मल है तो आपको मालूम है कि ये जो अटैक है ये वास्तव में इन ऑर्गन से नहीं आया पर्टिकुलरली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो जो अल्ट्रासाउंड है अपेंडिक्स जैसी चीज को कंफर्म भी करता है ये बहुत सारी दूसरी बीमारियां जो मिमिक करती हैं अपेंडिसाइटिस को इनको एक्सक्लूड भी करता है तो चूंकि रेडिली अवेलेबल लो कॉस्ट प्रोसीजर है तो इसलिए ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है एज फार एज द डायग्नोसिस कंसर्न लेकिन जब कहीं डाउट होता है या हमें लगता है कि सर्जरी के अलावा आप कोई रास्ता नहीं है तो इट इज द दिटी स्कैन विच अस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड जहां तक अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस को कंफर्म करने का सवाल है दिस इज द टेस्ट ऑफ चॉइस दिस इज आई मीन प्रोसीजर ऑफ चॉइस अगर जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट नहीं है एंड जो रीनल फंक्शन है या क्रेटेन बिल्कुल नॉर्मल है तो एक कॉन्ट्रास्ट एनहान जो सीटी स्कैन है दिस शुड बी डन अगर आप कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन करते हैं तो जो डायग्नोसिस है अपेंडिसाइटिस की उसको कंफर्म किया जा सकता है अगर एप्सिस डेवलप हो गई है अपेंडिकुलर

एक पैनरोमिक व्यू दे देता है हमें अपेंडिक्स भी दिखाई देता है हमें इंटेस्टिन भी दिखाई देती है हमें बाकी सब ऑर्गन्स भी दिखाई देते हैं इंक्लूडिंग पेल्विक ऑर्गन्स और इस एग्जामिनेशन में अगर हमें लगता है कि अपेंडिसाइटिस है या अपेंडिकुलर इन्फ्लेमेशन है तो विद दी हेल्प ऑफ द लैप्रोस्कोप अपेंडिक्स को निकाला भी जा सकता है लेकिन जो लैप्रोस्कोपी है इज अ सर्जिकल प्रोसीजर लेप्रोस्कोपी मांगती है। बिना की नहीं की जा सकती है अल्ट्रासाउंड मतलब कराएं करा 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 और इसके बाद अगर जरूरी है ऐसा लगता है कि नहीं काम नहीं चलेगा तो जो पेशेंट है वो लेप्रोस्कोपी के लिए सब्जेक्ट किया जाना चाहिए नो एट द एंड फ्रेंड्स करेंटली आज की तारीख में मुझसे आप पूछें कि एक टेस्ट बताइए जो अपेंडिसाइटिस को कंफर्म करेगा ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो फुल प्रूफ हो और हंड्रेड परसेंट बिल्कुल लेकिन सीटी स्कैन इज पॉसिबिलिट वन जो बहुत नियर आता है और इनवेसियो का जहां तक सवाल है इट इज बेसिकली लेप्रोस्कोपी लेकिन जब सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस है तो रास्ता यहीं से निकलता है केयरफुल ऑब्जर्वेशन चाहिए जो सिम्टम्स हैं उनकी जर्नी कैसी है उनको वॉच करने की जरूरत है जो टेस्ट कराने की जरूरत है जैसे मैंने किए उनको ग्रेजुअली कराने की जरूरत है और अगर ऐसा लगता है कि है कि अपेंडिकुलर पैथोलॉजी इट नीड्स जो ना सर्जिकल इंटरवेंशन तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द आंसर शुड बी डन इन पेशेंट्स अगर आप समझते हैं कि अपेंडिसाइटिस के अटैक को डायग्नोज करने के लिए उसको कंफर्म करने के लिए क्या टेस्ट किए जाने चाहिए उनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच